स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है पद्य शिक्षण की चुनौती। हिंदी साहित्य तीन विधाएं हैं, गद्य और पद्य और व्याकरण। हिंदी साहित्य को तीन वर्गों में विभाजित करके शिक्षण का कार्य कराया जाता है। पद्य यानी कि कविता, काव्य। हिंदी शिक्षण में सामान्यतः ये देखा जाता है कि विद्यार्थी उसमें कम रुचि लेते हैं, क्योंकि हिंदी उनकी मातृभाषा है तो ऐसा समझा जाता है, ऐसा हमें समझते हैं कि हिंदी तो हमको अच्छी तरह आ जाती है, हमको समझ आ जाती है। परंतु हिंदी का साहित्य जो है बहुत ही विस्तृत होता है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही जटिल है, बहुत ही संगठित है। इसको समझना सामान्य बालक की पहुंच से बहुत बाहर होता है, परंतु मातृभाषा होने के कारण से बालक ये अज्ञानता कर जाता है कि हिंदी साहित्य बहुत सरल है और उसको वो समझने में कोई गलती नहीं करेगा और उसको वो समझ आ जाएगा, दूसरे विषयों में वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। तो इस कारण से जो है ये देखा जाता है प्राय कि बालक जो है हिंदी साहित्य में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते। एक हिंदी शिक्षक के सामने ये बहुत अधिक समस्या आती है कि छात्र हिंदी शिक्षण के कालांश में पढ़ने में रुचि नहीं लेते और गृह कार्य नहीं करके लाते या उनमें उसमें कुछ इनोवेटिव करने का प्रयास नहीं करते। तो जब गद्य शिक्षण पढ़ाया, कविता शिक्षण पढ़ाया जाता है तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया जाता है। कि पहली चुनौती जो इसमें है वो है प्रस्तावना का माध्यम क्या है। देखो, जब शिक्षक कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले जाते ही तो वो पढ़ाना नहीं चालू कर देता, और यदि वो ऐसा करता है तो वो शिक्षण का सही आधार भी नहीं है, सही सूत्र भी नहीं है। जो शिक्षण के सिद्धांत है उसमें भी ये बताया गया कि ज्ञात से अज्ञात की ओर या पूर्ण ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर विद्यार्थी को ले जाना है। तो जो विषय वस्तु, जो कविता हमको प्रस्तुत करनी है, अब उस कविता तक बालक को हमको लेके आना है, तो उसको वहाँ तक लाने के लिए हमको उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाने चाहिए या पूर्व अज्ञान पर उसका परिचय कराते हुए बालक से उसके बारे में पूर्व जानकारी कितनी रखता है, इससे संबंधित प्रश्न किए जाते हैं और वही प्रस्तावना कहलाती है। तो प्रस्तावना में सबसे पहले शिक्षक के सामने ये क्वेश्चन आता है कि कविता की प्रस्तावना किससे की जाए, कैसे की जाए। अब कविता है, कविता की प्रस्तावना, कोई कहते हैं कविता की उसी कवि की, अन्य कवि की उसी भाव की दूसरे कवि की कविता से करो, कोई कहता है उस की विषय वस्तु के अंदर जो मूल तथ्य है उस तथ्य को लेकर प्रस्तावना की जानी चाहिए, कोई कहता है उससे संबंधित कोई कहानी सुनाकर प्रस्तावना की जानी चाहिए ताकि हम उस मूल शिक्षण बिंदु तक पहुंच सकें। तो विद्वानों के इसमें बहुत सारे मत दिखाई देते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि कहानी के माध्यम से कविता की जो विषय वस्तु है उससे संबंधित कोई कहानी लेकर उसकी प्रस्तावना की जानी चाहिए ताकि बालकों को वो समझ में आ जाए। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन दिमाग में उस समय उत्पन्न आते हैं। तो शिक्षक के सामने एक ये समस्या पैदा हो जाती है कि कैसे, किस प्रकार से जो है एक बालक को कविता की प्रस्तावना की कराई जाए, एक कविता शिक्षण के लिए प्रस्तावना किससे की जाए। अब कविता है, मान लो कविता देशभक्ति से संबंधित है तो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कोई चित्र हो, कोई कहानी हो, कोई मॉडल हो, तो वो उसके सामने प्रस्तुत करके हम उसको उस देशभक्ति तक ला सकते हैं। तो विभिन्न विद्वानों का विभिन्न प्रकार का इसमें मत है और उस विभिन्न मत होने के कारण से ही
ये कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो जाती है या ये विवाद असमंजस में शिक्षक पड़ जाता है, हिंदी शिक्षक की प्रस्तावना किसके माध्यम से की जाए। दूसरा है संभावी कविता द्वारा, कोई कहता है दूसरा तर्क हमारी चुनौती है कि प्रस्तावना का माध्यम क्या हो, ठीक है, कविता शिक्षण में। तो पहला उसमें दूसरा लिखो कि संभावी कविता से, संभावी कविता के माध्यम से, मतलब जो कविता यदि हम देशभक्ति कविता पढ़ा रहे हैं तो दूसरे कवि की देशभक्ति से ओतप्रोत कविता की कुछ पंक्तियां लेके हम अपनी मूल कविता तक पहुंच सकते हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई की हमको झांसी की रानी कविता, जो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से ओतप्रोत है, पढ़ानी है, तो हमको उस कविता के लिए प्रस्तावना करनी है, तो उस कविता के लिए कह रहे हैं कि दूसरे कवि की जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कविता है, उस कविता की दो या तीन पंक्तियां लेके हम अपनी मूल कविता तक पहुंच सकते हैं। ये कुछ विद्वानों का ये तक है कि संभावी कविता, जो कविता पढ़ाई जा रही है उसी के समानार्थी भाववादी कविता अन्य कवि की, उस कवि की नहीं होगी। हम जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन में हम दो व्यक्ति, अलग अलग व्यक्तियों की कंपैरिजन होता है, ना कि एक ही व्यक्ति की ही कविता से हम संभावी प्रस्तावना कर सकें। नेक्स्ट है कवि परिचय द्वारा, कवि परिचय द्वारा जो कविता, जैसे जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, महादेवी वर्मा ने लिखी है, या अज्ञे ने लिखी है, किसी ने भी लिखी है, कबीर ने पद्य लिखे हैं, तो यदि हमको वो पढ़ाने हैं तो हमको उन तक पहुंचने के लिए उन कवि का हम चित्र ले सकते हैं, या कवि का हम सामान्य परिचय देते हुए भी उस कवि की मूल कविता तक पहुँच जाए। तो कवि परिचय के माध्यम से यदि हम कविता की प्रस्तावना करते हैं तो सामान्यतः यह है, देखा जाता है कि प्रस्तावना बालकों के मानसिक स्तर से उच्च हो जाती है, क्योंकि सभी कवियों के बारे में बालक को पूर्व में कोई जानकारी नहीं है, कवि का परिचय बालक नहीं जानता, तो उससे संबंधित जो पूर्व ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विद्यार्थी उन क्वेश्चनों का जवाब भी नहीं दे पाता है। तो यदि हम कवि परिचय से प्रस्तावना करते हैं तो वो बालक उनका जवाब नहीं दे पाता, और नहीं दे पाने के कारण से जो है, जब बालकों के प्रस्तावना प्रश्न के जवाब नहीं आ रहे हैं तो हम मूल कविता तक कैसे पहुंचेंगे, ये दिक्कत का सामना हमको करना पड़ता है। इसके बाद है सारांश कथन द्वारा, सारांश कथन द्वारा उस कविता का सारांश संक्षिप्त में परिचय देते हुए सारांश बताकर प्रस्तावना करने के लिए कह रहे। कुछ विद्वानों का मत है कि कविता का सारांश जो है बताकर, संक्षिप्त में बताकर यदि कविता से संबंधित पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न विद्यार्थियों को पूछे जाएं तो विद्यार्थी उनका जवाब देने का प्रयास कर सकता है, परंतु ये तर्क सही नहीं है, क्योंकि जब पहले ही हम कविता का सारांश बता देंगे तो मूल कविता के प्रति बालक की रुचि जो है समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पूर्व में ही वह उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहा है, इसलिए ये तर्क भी वहाँ पे सार्थक नहीं होता। और लास्ट है पूर्व प्रसंग द्वारा, पूर्व प्रसंग द्वारा, पूर्व में जो प्रसंग सुनाते थे है ना, तो पूर्व प्रसंग के माध्यम से हम किसी बात की भूमिका बांधने के लिए पूर्व में कोई प्रसंग सुनाते हैं, तो उस पूर्व प्रसंग के माध्यम से
फिर कहते हैं कि कविता का सारांश बता दिया या कभी कभी परिचय दे के या कविता के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दें। तो जब कविता का पूर्व में परिचय बालक को मिल जाएगा तो मूल कविता के प्रति जो एक जिज्ञासा होनी चाहिए वो जिज्ञासा की भावना विद्यार्थी के अंदर से समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से कविता शिक्षण में एक सिंधी शिक्षक को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि कविता की प्रस्तावना किससे की जाए। यह कार्य लिखिए। कविता शिक्षण की प्रमुख समस्या बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकले। ओके, थैंक यू।